नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आप के जो भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, डेस्कटॉप पीसी, उसमें दोस्तों जो हार्ड डिस्क लगी होती है, जो मेमोरी यूनिट लगी होती है, उसमें दो प्रकार की जो है यूनिट्स आती हैं। एक आपका एचडीडी कहलाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और अब एक जो नया आने लगा है एसएसडी, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। कंपेयर किया जाए तो हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब दोस्तों होता क्या है कि आप लोग दुकान जाते हैं, उसको लगवाते हैं, या मार्केट से जब लैपटॉप को ख़रीद के लाते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, तो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें इसमें लगी हैं। अब इसको देखना, मान लीजिए कोई नॉन टेक व्यक्ति है, उसने लैपटॉप ख़रीदा है, महंगा लैपटॉप ख़रीदा है, और वो इसको देख नहीं पा रहा है कि खोल के कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए कि कौन सी हार्ड डिस्क है, कौन सी एसएसडी है। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट सीएमटी में एक बहुत अच्छा एक वो हम कह सकते हैं आपको कमांड है, और वो कमांड आपको लिखनी है। उसके लिए आपको करना क्या है, विंडो प्लस आर को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको कमांड लिखनी है। मैं कमांड आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे भी ये डिस्प्ले कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप ये लिखेंगे और आपको ओके करना है यहाँ से, अब ओके करने के बाद जो विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपके इस मेमोरी यूनिट की जो है जानकारी होगी, और मेमोरी यूनिट की जानकारी जो है दोस्तों आपको ये बताएगी कि मान लीजिए जैसे मेरा लैपटॉप है, और मेरे लैपटॉप में मैंने दोनों तरीके की मेमोरी जो है इसमें लगा रखी हैं। और ये देखिए आपको ऑप्टिमाइजेशन डिवाइसेस का जो पॉपअप आया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम में ड्राइवर हुआ करता था, सीडी ड्राइवर। मैंने वहाँ पर रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क आई थी, मैंने उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया है, और नई जो एसएसडी है उसको मैंने सी में लगा दिया है, और हाल फिलहाल मेरा ये पूरा विंडो सिस्टम जो है सी इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव में रन हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है विंडोज़ 10 सी, और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव मीडिया टाइप है, ये एसएसडी हो गई है, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं, ये जो पार्टीशंस थे, ये सब हार्ड डिस्क ड्राइव में हैं, आप देख सकते हैं। और जो सिस्टम रिजर्व करके जो फाइल बनती है, जो कि इसका पूरा बैकअप होता है विंडोज़ का, वो भी मेरा एसएसडी के अंदर है। और दोस्तों ये बाकी चीज़ें दे रखी हैं कि ये किस तरीके से फ्रेगमेंट होती हैं, कैसे इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पे वीकली दिख रहा है, आप अलग से भी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये वीडियो इसलिए है कि आपको इस कमांड के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम में जो है कौन से मीडिया ड्राइव की ड्राइव लगी है। और अगर आपको मान लीजिए एसएसडी के नाम पे हार्ड डिस्क लगा दिया गया है, तो भी पता चल जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अवेयर होने के लिए आप इन कमांड्स को सेव करके रख सकते हैं, अपने सिस्टम पर रन करा के देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से वह भी इसको जो है चेक कर सकें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।